देखो ये अच्छी डेवलपमेंट है कि अगर जिहड़ी तुहाडी असैम्बली है हाँ जी उहदे च अगर वक्ख वक्ख तरह के लोग हैगे ने तो अपने अपने तरीके दे नाल उह कंट्रीब्यूट जिहड़ा उह करनगे और ये अच्छा साइन है। खासतौर ते लेडीज भी 14 चुन के इस बार आई है जिहड़ा बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर है। ओ तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये सी कि किसने इंग्लिश शॉर्ट लिती हिंदी दे विच लिती ते आई मीन एक बड़ा ही डिफरेंट जा और माहौल भी जो मैं लगता है कि जो किसी टाइम साडा माहौल असैम्बली का पहले काफी तनावपूर्ण सीगा ये भी मैं उम्मीद करदा कि आने वाले समय दे विच बेटर होगा और अच्छे यंग पॉलिटिशियंस जिहड़े होणगे उन्हां नूं शायद एक ह्यूमर दे नाल भी थोड़ा जिहा लाइट रखेंगे। शौक जरूर हुंदा है जिहड़ा भी नवा बंदा चुन के आउंदा मेहनत करके आउंदा उहदी अपनी एक अंदर जज्बा हुंदा है कि मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी वास्ते अपने लोकां वास्ते जो कह के आया उहनूं इत्थे आ के उठाउण दी कोशिश करां और मेरा ख्याल है कि इनवॉल्वमेंट ज्यादा अच्छी होगी और सीनियर्स का होना भी साढ़े वास्ते बहुत वड्डी गल है क्योंकि अगर वड्डियां शख्सियतां ना होन ते तां भी हाउस दा जिहड़ी ग्रेस जिहड़ी हाउस दी हुंदी है वह नहीं बणदी। बहुत सारे चीजां हुंदियां ने उन्हां तों भी सिखण वाला बहुत कुछ हुंदा है कि अपने तजर्बे दे नाल कई वारी टेंशन भी हुंदियां ने वख वख क्लैशेस भी हुंदियां ने उस वेले जो रोल सीनियर्स का हुंदा उह भी बड़ा इंपॉर्टेंट हुंदा। सो बहुत अच्छा कुछ दस्ता बन के आया मैं सोचता कि पंजाब वास्ते बड़ा अच्छा बहुत अच्छी गल है। राजा भाई तुसी एक चेंज देख रहे हो जिस तरीके नाल एमएलएस डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स तो जिहड़े सिलेक्ट होके आए ने डिफरेंट ऑक्यूपेशंस एंड क्वालिफिकेशंस तो तुसी एक चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो? या 100% मैं समझता हूं कि पूरे विच यंगस्टर भी ने लेडीज भी ने पढ़े लिखे भी ने घट पढ़े लिखे भी ने और हर बंदे दा हर तरीके दा तजुर्बा हुंदा है। मैं समझता कि कई बंदे स्ट्रीट स्मार्ट होंगे कई बंदे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे सम ऑफ दैम दे हैव कि कले पेपर्स से ही उन्होंने एक्सपीरियंस होंगे कई ग्राउंड रियलिटी से बड़ा एक्सपीरियंस होंगे। तो इस गल जिस तरह मैं इन्होंने चीमा साहब ने इस गल सहमत है कि जिस तरह के सारे लोग आए ने वक् वक् अदारों तो घट पढ़े ज लेडीज तो चंगा एक माहौल रहेगा और चंगी गल्ला निकल के विधानसभा चंगे मुद्दे उभर के आ सकते हैं तो उन्होंने असी थोड़ा नाम की हाँ जी लगता है उन्होंने तो सानू जो कनैक्शन है राबता वह जुड़ी नहीं पाया। मैं थोड़े को आवांगी शर्मा जी जे आप विधानसभा की प्रोसीडिंग्स दे वाल आप जो रुख करिए तो जे यूजली देखने जाए जो एमएलएज होंगे ने दे हार्डली पार्टीसिपेट कुछ दिन आएंगे कुछ दिन एबसेंट रहेंगे फिर कुछ दिन आएंगे कुछ दिन एबसेंट रहेंगे तो तुसी किस तरह का माहौल चाहते हो विधानसभा दे विच? मैं ये महसूस कर रहा कि पंजाब कुछ समा यह जहा रहा जिस रोल जो डिफाइंड ही रहे हाँ जी जी ओपोजिशन उन्हें विरोध की गल करनी किसी चीज नूं एप्रीशिएट करना ही नहीं जी पार्टी पावर च होंदी है उन्हें कहना कि मैं बिल्कुल सही हाँ बिल्कुल गलत है। इस तरह का रोल विधानसभा च बड़े लंबे समय तो एक रियत बन गई नहीं चलता रहा। माननीय प्रकाश सिंह जी बादल साहब ने कल विधानसभा च बड़ी वधिया गल कही कि असी जिन्हें भी विरोधी साढ़े चंगे जिहड़े हैल्दी डिस्कशन करनगे असी उन्होंने इंपलीमेंट भी करांगे और सुधार भी करांगे और उन्होंने इनकारपोरेट भी करांगे। मैं महसूस कर रहा कि जिहड़ी ये गल विधानसभा च हुई है हां जी ते जिन्ने साडी यंगर जनरेशन भी अगे आई है और हर फील्ड तो लोग आए हैं तो हरेक की शमूलीयत जिहड़ी जरूर विधानसभा च होएगी और तुसीं देखो कि दो दिन हाउस चलिया हैगा तकरीबन 97% जिहड़ी पार्टीसिपेशन हुई है और मैं उम्मीद कर रहा कि कुछ सीखण दे चक्कर च कुछ सुधार वास्ते कुछ लंबे तजर्बे के आधार से इस बार विधानसभा च पांच साल च पूरी पार्टीसिपेशन होगी और पंजाब की भलाई की गल होगी क्योंकि पहली बारी आ कि परफॉर्मेंस के आधार से इलेक्शन लड़ी आ और लोगों ने परफॉर्मेंस के आधार से वोट दी आ ते कल नूं जदों असीं दोबारा पब्लिक च जाना तो लोगों ने जरूर बैलेंस शीट देखनी है। सो उस वास्ते विधानसभा के अंदर भी परफॉर्मेंस देखी जानी है बाहर भी देखी जानी है और डिवेलपमेंट विकास सारिया गल्लां जिहड़ियां होनी है असी पांच साल की कारगुजारी के आधार से जड़ा
इलेक्शन जीती है अगे भी असी कारगुजारी के आधार से ही लोगों में जाऊँ। डॉक्टर चीमा थोड़े हिसाब न एक एम एल ए की पार्टीसीपेशन किन्ना वड्डा जो है रोल है वो अदा करती है, हाउ एक्टिवली एक जो एम एल ए पार्टीसीपेट करना चाहिए। देखो जी मैं कहना कि चुने जाने का जो असली मकसद है वह तो यही है कि तुम विधानसभा के अंदर जाके परफॉर्म करो जी। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जनता ने भी ध्यान रखना चाहिए, जब आप स्कूले बच्चा भेजते हैं तो ध्यान रखते हैं भी कि भज के बाहर तो नहीं बैठा। हाँ जी, जनता ने भी ध्यान रखना चाहिए कि साडा जो नुमाइंदा है वह लगातार हाउस के बैठता है कि नहीं बैठता। अगर हाउस चल रहा है तो वह व्याह या भोगों से तुरै फिर तो जनता को जरूर पूछना चाहिए कि जिस मकसद वास्ते तेन चुन के भेजा से वह मकसद तू परफॉर्म कामयाब हो सकेगा जे स्कूल दे विच जाएगा। बिल्कुल, कई बार अपने निजी समागम होंगे बच्चे प्रेफर करते हैं इसे तरीके ही नुमाइंदे भी पब्लिक पूछना चाहिए सैशन से कद वास्ते तुरे फिरते तो उ होना चाहिए जो उ ना हो गए जो कोई साडे हित की गल हुई तो कौन डिफेंड करे। मेरे कॉलेज जुड़े ने अपना नाम दसोंगे कि बोल रहे हो? हरदेव सिंह गिल बोल रहे तो। हाँ जी, की कहना चाहोगे? मैं राजा बेन जी मेरी सत्या अगली बार मेनू तो पता सी, मैं घग्गा पिंड एक पटियाले दे कोल पिंडा और मैं तुहानू यह भी दसना चाहना भी राजा वड़िंग जी तो हाले हुण बने ने उस हल्के दे एम एल ए जिहड़े साडे मुख्यमंत्री ने वह बहुत लंबा समा गिद्दड़बाए हल्के की नुमाइंदगी कर चुके हैं और अज भी उन्हां दा उस हल्के दे लोकां दे नाल जिस तरह परिवार के मैंबरां दे नाल लिंक हुंदा उसे तरह दे नाल उन्हां दा लिंक है। अपनी सीट उन्होंने उस वेले मनप्रीत सिंह बादल नूं सौंपी सी चार पांच बार नुमाइंदगी करन तों बाद, इस करके राजा जी दे नाल बहुत वड्डी सपोर्ट है। जो उस वेले मनप्रीत बादल नूं ट्रीटमेंट मिलदी सी उही इन्हां नूं जरूर मिलेगी। ये मैं मुख्यमंत्री साहब वल्लों गिद्दड़बाह उन्हां दे दिल दे सब तों करीब है। हां जी, तुसीं कित्थों बोल रहे हो, की नाम है तुहाडा? मैं जगदीप बोल रहा जी, फतेहगढ़ साहब सरहंद तों। हां जी, की कहना चाहोगे? पहला जी नागरा साहब नु बहुत बहुत बधाई है ते सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर, मैं ये कहना चाहना जी तुसी साडे पिंडा च इलेक्शन वेले बड़े गेड़े मारे पर हुण सानू भुल ना जायो जी, बड़ियां वोटां पाईयां तुहानू। सानू अपनी गल बात रखण लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। मैं सब तो जाते जाते एक चीज पूछना चाहवांगी कि थोड़िया जी आप दी कॉन्स्टिट्यूएंसीज लई वेरी क्विकली प्रायोरिटीज की होणगीआं, ते जदों कोई अहिजा मौका आएगा जिथे इशू या पार्टी चो किसी चीज नू चूज करना पड़ेगा तो किनू चूज करोगे? प्रायोरिटीज से जड़िया चीजा रहनिया उथे मैं समझदा कि हेल्थ सिस्टम दा बहुत माड़ा हाल है, लोकां नू पीपल आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर दे बहुत पेशेंट ने और पंजाब सब तो वध कैंसर उथे ने, ते मैं चाहूंगा कि उथे कोई कैंसर दा वड्डा हॉस्पिटल लियांदा जावे, चंगा कोई एजुकेशन हब लियांदी जावे कि उथे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है एजुकेशन दा से बहुत सारा इलाका जो कंडी का इलाका, सो इतने पीने वाले पानी की भी इरीगेशन की भी समस्या हैगी है, स्कूलों के स्टाफ की भी समस्या हैगी क्योंकि डिफिकल्ट एरिया, सड़कों की भी कोई समस्या हैगी है, यह सारिया जिहड़ियां चाहे कंडी का एरिया चाहे घाट का एरिया, सो डिवेलपमेंट एंड एजुकेशन बिल्कुल बहुत वड्डी प्रायोरिटी। इशू और पार्टी, इशू या पार्टी केड़ी चीज तुहाडे लई ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगी? नहीं, दोनों चीजें इंपोर्टेंट है। Right. क्योंकि सानू चुनिया जदों गया असीं अपने हल्के दी भी जिहड़ी हैगी है उहदे हितां ते भी पहरा देना और नाल पार्टी दी भी। मैं राजा जी क्विकली, मेरे को सिर्फ 15 सैकंड रह गए जी।
ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਗਾ ਪੀਰ ਜੈਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਰਹੇਗੀ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਔਰ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮੇਨ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਸਟ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜ ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਆਨ ਗੋਇੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਰਹੇਗਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰਿਫਾਰਮਸ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਬੇਟ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼